बहुत मतलब बहुत सारी मिठाइयां ताकि हम अपना खुद का एक मिठाई का बिजनेस स्टार्ट कर सके। फ्री में बेचे, ये कौन सा दुकान होता है यार? वो जो वहाँ पे बाहर लड्डू लगाया है उसकी प्राइस क्या है? 440 रुपए केजी है मैम, देसी घी में। 400 रुपए, 440 रुपए केजी जी मैम। अच्छा इस वाले की 380 रुपए केजी है। सारे के सारे 380। अच्छा अच्छा एक बात बताइए भैया, ये जो 380 में 20 रुपए आप बचा लेते हैं उसका कोई लॉजिक होता है क्या? और एक बात बताइए यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा क्या मिल जाएगा अभी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में? तो फिलहाल में आपको सिर्फ लड्डू मिलेगा देसी घी में। लड्डू? अच्छा रुकिए, मम्मी कहाँ गई? कितना लेना है तो लड्डू? अच्छा कितना मिल जाएगा लड्डू अभी तो आप लोग? कितनी चाहिए आपको फिर भी? नहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए। 60-70 केजी तक? 60-70 अभी तुरंत मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 70 केजी कर दीजिए। पैसा ही पैसा होगा। अभी तक आपके दुकान से कोई ऐसे 70 केजी लड्डू का भी नहीं हुआ है? अचानक कोई यार ऐसे बोले कि मुझे 70 केजी तक देसी का लड्डू चाहिए और तुरंत चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और भी यहाँ पे जितनी मिठाइयाँ है ना सब कितना कितना पैक कर दे? 1 केजी कर दो, कर दो बाबू, इसको 1 केजी कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो। 70 किलो लड्डू आप क्या कितने दिन में बिकते होंगे? दो तीन दिन लगे। ओ भाई। तो गाइस अभी सारी की सारी मिठाइयां हमें यहाँ पे नहीं मिल जाएंगी, तो ये गोदाम पे जाएंगे। भाई आपको पता है हम क्या करने वाले हैं मिठाइयों का? ये जितने मान लीजिए 500 रुपए केजी है ना, तो उसको ले जाएंगे और बोलेंगे ये दो 1 रुपए केजी। अच्छा ऐसा मत सोचिएगा कि आपको धंधा चौपट करने वाले हम लोग, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। दिवाली स्पेशल ऑफर फ्रॉम प्रगति वर्मा। हाँ 1 रुपए में 1 किलो, 1 रुपए में 1 केजी। हाँ मत पहुँचाना। तो गाइस यहाँ पे हमारी सारी की सारी मिठाइयाँ पैक हो गई है, देखो इतनी सारी है। तो हमने आज दुकान वाले भैया का भी दिन बना दिया, मतलब बना दिया। अब आ गए हम अपने शॉप के पास जो हम खोलेंगे। अरे वहाँ सेटअप हो गया। तो हमने अपने दुकान के लिए ना ऐसा पंडाल बनवाया था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, एंड अभी हम यहाँ पे सारी की सारी मिठाइयाँ कार में से निकाल रहे थे एंड फिर ला के यहाँ पे अच्छे से जाना था, बहुत टाइम लग रहा था गाइस। मतलब हमने ना शायद 2-3 बजे स्टार्ट किया एंड फिर करते ही करते शाम हो गई हमें। हमने मंगाए हैं माइक। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। तो गाइज अभी हम यहाँ पे रेट कार्ड बना रहे हैं जिस रेट से हम इसे बेचेंगे। देखो 5 लाख रुपए केजी, 2 रुपए केजी भी है। आप क्या संभालने वाली हैं? पैसा नहीं, पैसा तुम देखोगी। पैसा मैं लूंगी। देखेंगे तो भीड़ लगेगा तो हम लगेंगे। मम्मी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। लेट पहले रिवील हो जाएंगे। Yeah.
चाहिए, दो इन्हें दिया जाए, छोटे बच्चे को दिया जाए। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई और ये लोग मान नहीं रहे, तो आप प्राइस बढ़ाएंगे। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए किलो लड्डू लाइए। मैंने छोटे बच्चे को 1 रुपए में लड्डू दे दिए, फिर सब बोलने लगे मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। दो किलो लेंगे ना, दो नहीं मिलेगा, एक डिब्बा बस। आप लोग का ट्रिब्यूट बहुत अच्छा लगा और मैं 3 बजे से सुन रहा हूँ कि आप लोग मतलब 1 रुपए किलो में दे रही हैं, और कम से कम मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है इस जमाने में, किसी को मिठाई भी तो दे रहा है। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे रूल ये था कि एक पर्सन सिर्फ एक ही बार हमसे मिठाई खरीद सकता है, बट भाई साहब यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा था। देखो होता क्या है, इन भैया ने ना अपने हाथ पीछे करके एक मिठाई का डब्बा छुपा के रखा है, यानी कि उन्होंने एक बार खरीद लिया 1 रुपए में, ठीक है। तो वो पीछे जाते हैं, ठीक है, वो पीछे गए एंड वो मिठाई का डब्बा कहीं छुपा के आए, और फिर वो वापस से आते हैं एंड फिर से वो खड़े हो जाते हैं ताकि हमें पता ना चले कि उन्होंने पहले खरीद लिया है। हमने ये 1 पर्सन वाला रूल इसलिए रखा था क्योंकि पे जितने भी लोग हैं एटलीस्ट सबको तो मिठाई मिल ही जाए, बट कुछ लोग इतनी बार ले जा रहे थे कि बेचारे उनका हिस्सा भी वही ले रहे थे। हमारी दुकान तो हिट हो गई, मतलब लोग हमारी दुकान के सामने जाने का नाम नहीं ले रहे। लड्डू मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए किलो, 1 लाख रुपए किलो लड्डू ले जाइए, 1 लाख रुपए किलो लड्डू ले जाइए, लेना है बेटा 1 लाख। अंकल 1 लाख रुपए है? अरे यार 1 लाख रुपए कौन लाया है आपके पास? है 1 लाख में 1 लड्डू, उसमें हीरे लगे हैं, हीरे जी मेरे हाथों से बने हुए लड्डू, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। गाइस क्या आप लेना चाहते हो? नहीं। 5 लाख रुपए का लड्डू, लड्डू जी 5 लाख रुपए का लड्डू, 5 लाख। हमने उन्हें भी इतना बोला है कि बस 5 मिनट के लिए पीछे जाइए, फ्री मिलेगा, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा। पीछे हो जाइए आप। खुद रखे हैं, फ्रिज भरी पड़ी है, लड्डू कमी नहीं, हम देखने आए, लेने नहीं आए। मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला। अगर आपको ऐसे गाने नहीं सुनने तो प्लीज पीछे चले जाइए, वरना मैं सुनाती रहूंगी। मेरा गला उनका।
आंटी प्लीज पीछे हो जाइए, प्राइस बढ़ गया 1 करोड़ रुपए किलो। चले जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। कौन? अरे ऐसे जा रहे थे तो देखे। एक और देख लीजिए, बच्चे के लिए ऑटो वाले हैं। भैया ये भैया इनको बच्चे के लिए दीजिए। आंटी हम नहीं दे रही है, उनका बच्चा है। तुम खुद ही बच्चे हो, तुम खुद ही बच्चे हो। अंकल ऑफर खत्म, ऑफर खत्म। अरे हमको लेट हो रहा, हम कब से खड़े हैं। खत्म हो गया लड्डू, खत्म हो गया। सॉरी, कैसे सॉरी बताइए, हम कब से आ रहे हैं आंटी, हम खड़े हैं। सॉरी सर, उधर सामने दुकान है लड्डू, वहाँ से खरीदो। 1 रुपए में तो यहाँ पे खड़े हो तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो थोड़ी देर सेल्फी ले लीजिए, ले लीजिए। 1 रुपए का 1 लड्डू मिल रहा था लेकिन ऑफर खत्म हो गया। 1 रुपए का 1 किलो लड्डू। अब यहाँ पे खाली हो चुका है और हमारे लड्डू भी खाली हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं हमने कितनी अपनी मेहनत की कमाई कमाई है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने टोटल कमाए हैं 325 रुपए और हमने मिठा और मिठाई खरीदी थी अराउंड 40,000 की। बट 340 रुपए जो हमने कमाए हैं ना उसमें ज्यादा खुश है क्योंकि लोग ऐसे पागल हो रहे थे, खुश हो रहे थे, मजा आ गया वो चीज देख के। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।